रोहतक लोकसभा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। हर विधानसभा में दीपेंद्र की यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है, जो कि हरियाणा में बदलाव के संकेत दे रही है। ये तस्वीरें नूह के पुनाना हलके की हैं, जहां हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा लेकर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों हजारों की संख्या में जहां कांग्रेस कार्यकर्ता व समर्थकों ने पदयात्रा में हिस्सा लिया, वहीं पुनाना अनाज मंडी में जन सैलाब को संबोधित करते हुए दीपेंद्र ने भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। दीपेंद्र ने कहा कि भाजपा वालों, कान खोलकर सुन लो, ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ के लोग भोले भाले जरूर होते हैं, लेकिन ठगने वालों का हिसाब लेना भी जानते हैं और उनका हिसाब करना भी बखूबी जानते हैं। लेकिन मीडिया के वालों सुनो, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा ही है, ये हरियाणा वाला सीधा आदमी होता है, हरियाणा का आदमी खड़ा जाता है, हरियाणा का आदमी खड़ा जा सकता है, सीधा है, शरीफ है, लेकिन जो ठग के जाता है, उससे हरियाणा का आदमी हिसाब लेना भी जानता, उसका हिसाब हरियाणा है, हिसाब तो हम लेंगे। और रिपोर्ट बीजेपी के पास चली गई कि हरियाणा में लोगों ने मना लिया बदलाव का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस की सरकार बनाने का, जब रिपोर्ट चली गई तो बीजेपी ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और सरकार जाने की रिपोर्ट भी भाजपा को मिल चुकी है। यही वजह है कि भाजपा ने डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री तक बदल डाली, मगर भाजपा ने अपना अहंकार नहीं बदला, जिसके चलते आज भाजपा सरकार से हर वर्ग दुखी है। दीपेंद्र ने पुनाना की अनाज मंडी से हुंकार भरते हुए कहा कि आज हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। नूह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।